देखना यार, एक खून लगा हुआ है, खून भी लगा हुआ है। सो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सारे होंगे ठीक ठाक। भाई राजू और मैं अभी अभी जा रहे हैं बाहर वॉक पे, और पीछे से अली जो है कॉलोनी सारी साफ कर देगा। आ जा राजू। ओ रास्ते में से कोको को भी पकड़ लेंगे नीचे से। ओए बड़ा खुश है राजू, यार वॉक पे जा रहा है। आ जाओ। ओए कोको भी आ गया, देखो कोको कैसे आया। ओए 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 कोको 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 राम से राम से राम। कोको तो ऐसे उसके मैं कान तार के फ्राई करके खा जूं। ओए इसके अंदर थोड़ी सी डाइट पड़ी है भाई, राजू इसी पे हमला कर रहा है। राजू बैठ जाके चारा खाना है हमने। कोको क्या हो गया कोको को? कोको अच्छा बस 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 चले ना राजू बाहर, वो दाना खाने बैठ गया। चलो कोको इसकी जरा दौड़ लगवा। वापिस क्यों आता है? नकड़े मार भाई, हम लोग ये दरवाजा वैसे बंद कर देते हैं। ये ले राजू, अब जाके दिखा अंदर भाई। अभी जो है राजू को हम लोग घर से थोड़ा सा दूर ले आए, इधर ला के हमने छोड़ दिया। ठीक है कोको? कोको नो भाई, वो वॉशरूम करता, कोको खाती है गंदी। कोई काम सीधा है कोको का? थारा खत्म कर दे। आ जाओ कोको। भाई सुबह सुबह ना कोको फूल भागने के मूड में होती है, शाम को तो इतनी ढीली होती है ना आजकल, थोड़ा सा भी नहीं भागेगी। राजू इसके ऊपर सारे खत्म हुए हैं, सारी डंडियां खाई जा रहा है तू। कोको आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए जी कोको, कोको ऊपर आ भाई। कोको कल सुनने को मिला कि कोको ने शाम को डाइट नहीं खाई। क्यों नहीं खाई कोको ने? भाई सुबह हम इसको अपने हाथों से देंगे, देखते हैं खाती है या नहीं। भाई राजू उधर चला गया डाइट खाने, आज समझ लगी है कोको गंदी कैसे होती है। भाई अभी मैं इसके सर पे कर रहा था, भाग के ना इधर चली गई, इसके ऊपर तरेल लगी होती है। नीचे देखो, ओए होए 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 होए। अब इसने जब सूखना है सारी इसको मिट्टी लग जानी है। वो देखो अब अपने आप को ना चाटने भी लग गई, मतलब ऐसे गंदी हो जाती है। कोको तुझे तो वॉक पे लेके आना ही नहीं चाहिए हमें। भाई राजू ने भी ना तकरीबन डाइट खा ली है, काफी देर से खा रहा था। आजा कोको चलें, अभी हम दौड़ लगाएंगे कोको। ओए अच्छा राजू भी हमारे पीछे पीछे आता है। आजा कम कोको, आजा आजा अपना चला कर, उसे साल लेके अभी चलती है। चलो देखो कितने अच्छे बच्चे हैं यार दोनों। राजू सीधा ऊपर जाएगा, कोको क्यों सीधा ऊपर जा रहा है? क्यूटी 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 कोको। भाई ये वाली जो डाइट है ना, ये हमें ऊपर लेके जानी है। कोको फिर भाग गया ऊपर। भाई साहब वाह वाह, कल बच्चे जो है ना एक्वेरियम का पानी सारा निकाल गए थे, अली ने एक्वेरियम का पानी भी भर दिया, सारी कॉलोनी चमचम कर रही है। भाई अभी ना एक्वेरियम का पानी भर रहा है तो पाइप इधर से जा रहा है, वो उधर। भाई ये क्या हुआ है? राजू को तो मैं इतना गंदा छोड़ के गया था, आप लोगों ने सुबह सुबह देखा था सारी मिट्टी लगी हुई थी। भाई अली ने कटिंग कर दिया राजू की, देख सकते हो पीछे से ना अली ने सारा कैंची से बाल काट दिए, सारी कॉलोनी भी चमचम कर दी। भाई कॉलोनी तो चमचम होती रहती है, लेकिन राजू को चमचम कर दी, इतनी मिट्टी लगी हुई थी, इतनी मोटी मोटी मैल। ये चेक करो यार, ये कटिंग हुई हुई है मजेदार वाली, ऐसे राजू पूरा पप्पू बच्चा लग रहा है, बर्गर बॉय लग रहा है राजू। भाई डाइट दी हुई है, मुर्गियां साथ फ्री में खा रही हैं। ये ले राजू, वैसे ना अली ने कटिंग बस टेढ़ी मेढ़ी की है थोड़ी सी। आ जाओ भाई, ब्लैक मुर्गी का ना उसके साथ ब्लैक चूजों को हम लोगों ने बाइट छोड़ दिया है। इनमें ना ये मुझे बहुत कमजोर लग रहा है गाइस, ये वाला जो है ना बहुत छोटा रह गया और कमजोर है, कमजोर की वजह से पूरी दौड़े हैं उसकी भी। चलो चलो ऊपर चले जाओ भाई, मुझे लगता है इन्हें छलांग मारनी नहीं आती। ओए चलो भाई, ये वाकई कमजोर है, मुझे लगता है ये सिल्वर मुर्गी वाला बच्चा है, तो इन्हें हम लोगों ने थोड़ी देर इधर खुला छोड़ा है। जरा चल फिर ले ये भी। भाई हमारे सारे कबूतर जो है ना इधर बैठे हुए, इन्हें भी अली ने सारी डाइट दे ही दी होगी, क्योंकि सारों को दी है तो इन्हें भी दे दी होगी। अच्छा हो गया मेरा भाई। खैर हो राजू, इसने कैसे किया ये सब कुछ? भाई आज काफी दिनों बाद मोड़ भी नीचे उतरा है। चलो भाई उधर चला जा, उधर चला जा भाई। इसके पर नहीं आ रहे, अगर किसी भाई को कुछ पता है तो भाई लाजमी बताए, इसके पर अगर एक दफा टूट गया तो वापस आ ही नहीं रहे, बस ये वाले थोड़े लंबे हो रहे हैं, बाकी वो जो असल पर है ना वो नहीं लंबे हो रहे भाई। लेकिन हम खुद इसे डाइट अच्छी वाली नहीं दे रहे, वैसे इसकी डाइट में ना भाई अदील ने हमें बताया था पता नहीं क्या क्या सरसों का तेल फलां डमकान देना होता है, हम तो भाई इसे रोटी डाल देते हैं या तो वो मुर्गियों वाली डाइट। आ जाएंगे पर वैसे खुद ही। कोई एक्वेरियम के अंदर से पाइप हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बस इतना ही पानी पड़ा है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा खाली छोड़ के रखते हैं। भाई वैसे इतना साफ तो नहीं हुआ,
क्योंकि इस दफा मैंने नहीं ना साफ किया, अली ने किया, इसलिए मैं देखो कल का थोड़ा सा गंदा है पीना, बट ऐसे ठीक है भाई। अभी जो है मैं नीचे हूँ, मैंने देखा कि हमारी न्यू कैट ही नहीं है इधर। अरे जग्गू किधर की तूने भाई? वैसे तो मैंने इसके अंदर छोड़ी थी, पता नहीं और किधर निकल गई है। बिल्ली? हाँ जी, कब छोड़ी है आपने होली? सुबह होली छोड़ी है, ऊपर चली गई। ऊपर जाती भी आपने देखी है, पक्की बात है। हाँ जी, सीढ़ियों से। मैंने कहा चलो घूम चलो। हाँ ये भी तो है भाई, ये जब से हम उधर आए हैं हमने तो बंद रखा हुआ है, हमारे भी तो सहने कर रही है। ये मेरी बिल्ली बड़ी सियानी बियानी बिल्ली है। दुपट्टा करना है, दुपट्टा करना है तूने? दुपट्टा करना है जग्गू ने, मौज फाड़ देगा। वे चल छोड़, कल बच्चों को देखा था कैसे डरा रहा था ये। हाँ बड़ी फिल्म है वो देखो। आते जाते बंदे को ना, जब से हमने इसे इधर रखा है ना, आते जाते बंदे को पता क्या करे, छेड़ता रहता है यार ये। माँ अभी तो भाई हम फिर जुमा पढ़ने जा रहे हैं, वापिस आगे भाई उस बिल्ली को देखते हैं। चोंग 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 चोंग। भाई जब से हमारे ऑस्ट्रेलियन तोतों के बच्चे आए हैं ना, कलोनी में थोड़ा सा रश हुआ है। मतलब पता चल रहा है कि यार कोई तोते सामने बैठे हैं, अभी भी काम मैं लेकिन है कि कुछ हद तक बड़े हैं। भाई जुम्मा पढ़ के हम लोग वापिस आ चुके हैं और आज माँ जी ने बनाया हुआ है हलवा। ये जग्गू की मौजें लगी हुई हैं। ये एक प्लेट जग्गू के लिए है, जग्गू ने इतना खाया है। अच्छा माँ जी ना मुझे देख के कहती कि भाई ये चाक के बताओ कैसा बना है। मैंने कहा भाई जग्गू को दो, वो आपको बताएगा कैसा बना है। उसने तो कहना पूरा पतीला उठा के मेरे पास ले आओ। भाई जग्गू की मौजें लगी हुई है, और किसी की लगे या ना लगे। अरे बड़े मजे मजे से हैं भाई। नान जो है ना माँ जी ने हैमस्टर को दे दिया था, ये तो हलवा खाते नहीं, लेकिन नान इन्हें दे दिया था। देखो कैसे उन्हें भूख लगी, वो देखो पकड़ पकड़ के खा रहा है। अच्छा इन्होंने ये जो गत्ता हमने रखा वो भी खाया हुआ है। जी भी है ये हैमस्टर भी बड़े भूखे हैं। हली यार रुशान, अब मुझे ये समझ नहीं लग रही कि अंदर आई कैसे। पहली चीज ये है, देखना यार एक कबूतर। ये कबूतर है, कबूतरी अली यार। ये वो नए वाले थे ना जो गोइस जैसे, वो है। अच्छा ये हमें जो गिफ्ट में गाइस, ये कबूतर मर गया। हाँ दो वही, मैं आपको दूसरा जाके दिखाता हूँ। अंदर ही लिया। ओए यार ये मारा है हमारी न्यू कैट ने अली। और देखना खा पी के गंद भी मार लिया, वॉशरूम में इसने किया। ओए वॉशरूम भी किया हुआ इसने, ये सुबह की। ओए इसके मुंह में हड्डी है शायद। नहीं नहीं खून लगा हुआ है, खून भी लगा हुआ है भाई। मुझे अब एक चीज बताओ यार, देखी ना आई किधर से? अब तू कह रहे तूने सही तरह से दरवाजा बंद किया था, मैंने भी सही तरह से। नहीं पता है क्या सीन है, मैं बताता हूँ। मैं सुबह का माँ जी से पूछ रहा हूँ हमारी न्यू कैट गई किधर, मैंने उसे ब्लॉग में दिखाना है। माँ जी कहते कि मैंने इसको खुला छोड़ दिया था, वो भाई ऊपर आ गई, ऊपर आई हुई थी बर्ड कॉलोनी में, हमारे दो कबूतर मार दिए इस न्यू कैट ने। ओए होए होए, मुझे जिधर तक लगते ना रुशान। हाँ यार ये जगह से जाली फटी हुई है सारी। ये तो एक हफ्ता हो गया फटी। ओ तेरी खैर, अच्छा मैं भी कहूँ कि एक दफा तो दोस्तों मैं डाइट इसे डालने आया था मुर्गियों मुर्गों को, मुझे शक पड़ रहा था कि यार मेरी गलती की वजह से दो कबूतर मर गए, जाली फटी हुई थी भाई। ये देखो जाली फटी हुई है, ये पक्की बात है। इधर से आई आप, इधर से आना, बाइट से आना, दिखाऊं कितनी जाली है। इधर अंदर से नहीं पता लग रहा है इतनी जाली फटी। ये देख इधर से अंदर के अली, ये जाली का काम करवाना है भाई। अभी भी वक्त है अली, बिल्ली उठा लेते हैं। ये ना ये हमारे खरगोशों पे हमला कर दे भाई। हमारे पास तो रैबिट भी थे, डक्स भी थी, इसने ना कबूतरों पे हमला किया है। और कैट पता है क्यों कबूतर पे ज्यादा हमला करती है? क्योंकि कबूतर उड़ता है और कैट हमेशा उस पर अटैक करती है। जो चीज उड़ती भी हो, हिलती जुलती भी हो, ज्यादा चीज मूव कर रही हो। लो भाई कैट को पहले ले आ। हाँ तो मैं ये पिजन ले तो इन्हें मैं फिर दफनाना। हाँ इन्हें ना हमने दफनाना है। अब ऐसा नहीं है कि ये मर गया तो इसे ही खिला दें, अगर इसे खिलाए तो इसको और आदत पड़ जाएगी अली। वो देखो कैसे भाग रही है। खाऊ खाऊ बिल्ली भैया, अब इसके अंदर जाके बैठ गई है अली। कबूतर पकड़ यार, आओ यार हमने भाई। सीन ये है कि अभी हम लोग आ चुके हैं प्लॉट के अंदर और अली दफना देगा अभी इन्हें। भाई ये हमारा भाई कब्रिस्तान है, इधर सारे पेट्स दफनाते हैं। और मैं एक चीज बता दूं, कोको हमारे पास है। कोको कम भाई, कोको ने आज तक ऐसी हरकत नहीं की, क्योंकि कोको हमारे पास ना काफ़ी टाइम से है। और अली इसी तरह पेट को सारों को होना चाहिए। ये क्या बात हुई, पेट मार दो। अब उस कैट को हम कुछ कह भी नहीं सकते, वो तो भाई एक जानवर है, उसने तो नेचुरल था कर दिया। उसको समझाएंगे अली, केयर करेंगे ये कि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का काम। हाँ उसको समझाएंगे हम। आज चले इन्हें मैं दफना दूँ। ठीक है कोको आ जाओ आप। कोको को नहीं दिखाना है हमें, कोको फिर पता लगे दो कबूतर कोको ने मार दिया। आ जाओ कोको भाई। अपनी बिल्ली को हमने अच्छे से समझा तो दिया लेकिन ये बाज नहीं आ रही।
अभी भी मुझे धिक्के मार रही है। भाई शुक्र है हमारे जो हैमस्टर्स है ना ये बिल्कुल सेफ होते हैं, अदरवाइज इस चालाक बिल्ली ने पता नहीं और क्या क्या कर देना था हमारे साथ। गाइस ये देखो ना ये वाली मोटे वाली लोहे की जालियां, इनको कुछ भी नहीं होता, वो जाली थोड़ी पतली थी उसकी वजह से ना आज लॉस हो गया। इधर उधर इधर उधर उधर इधर इधर उधर उधर इधर वाक हो रही है, हैं ये मुझे लगता है डाइट खा के ना वाक पे निकले हैं सारे। भाई इधर जब हम अपना व्लॉग करते हैं एंड व्लॉग अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी यहां पे करना, सही होगा आपको भी जैसे ही व्लॉग अपलोड करेगा सबसे पहले पहुंचेगा आप लोगों तक। तो फटाफट से कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।